गीडा थाने की पुलिस ने गौ तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव बिंद ने बताया कि गीडा थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान दीपक सैनी पुत्र झिनमुन सैनी निवासी रामगढ़ खास थाना छावनी जनपद बस्ती, दूसरा सूरजपाल पुत्र लखनपाल निवासी कुलहू थाना हरया जनपद बस्ती के रूप में हुई है। सीओ कैंपियरगंज ने बताया कि गैंग लीडर दीपक सैनी उपरोक्त है, जो अपनी गैंग के सदस्य के सासू संगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु गौ तस्करी जैसे जघन्य अपराध करता है। इस गैंग के लीडर व सदस्यों पर आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव बिंद ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के क्रम में आज गीडा पुलिस द्वारा दो साथी पशु तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें गैंग लीडर दीपक सैना व उसका साथी सूरज पाल है।